पार्टी में शामिल कर लेंगे। शिवपाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है आंख बंद करके पार्टी में शामिल कर लेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। सदस्यता रद्द की याचिका वापस ले लेंगे, अखिलेश यादव ने शिवपाल को दी पेशकश। हमारे परिवार में परिवारवाद नहीं है, लोकतंत्र जो अपनी विचारधारा से चलना चाहे वो चले, अखिलेश ने बाद में ये भी बात कही है। तो जो पारिवारिक ड्रामा था पिछले दिनों वो लंबा खिंच चला है। अब शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव नरम पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आंख बंद करके शिवपाल को वापस ले लूंगा। उनकी बात सुननी चाहिए हमें। परिवार में तो हमारी तरफ से तो पूरी गुंजाइश है। पहले भी थी और फिर है, लेकिन षड्यंत्रकारियों को कैसे ठीक किया जाए। कुछ लोग षड्यंत्रकारी भी तो होते हैं ना। दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहे हम पार्टी में शामिल कर लेंगे, जो आना चाहे आंख बंद करके। और ये आपको समझना होगा, अखिलेश यादव ने ये किस सवाल के उत्तर में कहा। जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया 19 विक्रमादित्य मार्ग पर कि क्या शिवपाल यादव को भी पार्टी में आप लेना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी में आए उसे शामिल कर लेंगे, आंख बंद कर शामिल कर लेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। इसमें कोई दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी खबर है। यानी जो 2.5 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले हुआ था, वो लग रहा है कि जुड़ जाएंगे ये लोग, साथ आ जाएंगे। दोनों की बात सुनकर तो यही लग रहा है। देखिए, इस बयान को मैं बहुत उत्साह के तौर पर नहीं देखता हूँ, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार अपनी ओर से हमेशा कहते रहे हैं परिवार में एकता होनी चाहिए। ओके, अखिलेश यादव ने पहली बार नरमी दिखाई है, लेकिन उन्होंने नाम लेने से परहेज किया है। एक जो सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई कि अब वो चाचा की सदस्यता के लिए जो याचिका डाली थी अब वो वापस ले लेंगे, वो उनकी सदस्यता खारिज नहीं कराना चाहते। तो ये एक सबसे बड़ा कहा जाए पॉलिटिकल मूव है दोनों के बीच। अभी तक अखिलेश यादव शिवपाल यादव के किसी मामले पे कोई बयान देते नहीं थे। शिवपाल यादव हमेशा से अखिलेश के प्रति नरम रहे और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब ये अखिलेश की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, इससे राजनीतिक हलकों में समाजवादी पार्टी के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दलों में कहा जाए तो उत्साह जरूर देखा जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या होगा, इसका राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, ये अभी आने में वक्त लगेगा। क्योंकि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में ना तो कोई चुनाव है, ना कोई सुलह के लिए कोई ऐसा मध्यस्थ सामने आया है। मीडिया के माध्यम से ये दोनों बयान देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से ये बयान देखे जा रहे हैं। मीडिया के सामने झगड़ा भी हुआ था, आपको याद होगा, आपने सबसे पहले वो खबर ब्रेक की थी। आपका काम है खबरों का विश्लेषण करना, अंदर की बात आप जानते हैं और मैं जनता को जो बताता हूं जो खबर दिख रही है। तो वीरेन जी, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि आंख बंद करके किसी को भी वापस ले लेंगे, नंबर एक, और सदस्यता वापस ले ली, नंबर दो, इन दोनों बयान के मतलब क्या निकाले जाए? ये तो अखिलेश ने कही ये दोनों बात। देखिए, अखिलेश यादव ने पहली बार कहा जाए तो शिवपाल यादव के प्रति पिछले 2.5 सालों में एक ऐसा संकेत दिया है कि वो उनके सम्मान में एक बड़ा निर्णय उन्होंने किया है, सम्मान दर्शाया है शिवपाल यादव के प्रति। और सदस्यता वापस लेने की जो बात है, जो याचिका है, अगर वो लेते हैं तो स्वाभाविक है कि जो तलखी है उसमें कमी आएगी, और ये एक परिपक्व राजनीतिक का संकेत देती है अखिलेश यादव के राजनीतिज्ञ होने का। और साथ ही साथ देखिए, परिवार है तो कहीं ना कहीं आदमी को दो साल पीछे मुड़कर जब वो देखते होंगे तो क्या खोया क्या पाया सियासत में, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा अभी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा इसको आप अभी थोड़ा और देखेंगे। अभी शिवपाल यादव लखनऊ के लिए चले हैं मैनपुरी से, तो लखनऊ आएंगे तो मीडिया से यहाँ भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बर्फ अगर पिघलने वाली है और अगर उसको संकेत मिल रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी के इतिहास से, दृष्टिकोण से अच्छा ही होगा। संकेत आप भी वही दे रहे हैं, फिलहाल जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दोनों लोगों ने बयान तो दे दिया है, और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर।